नमस्कार, मैं हूँ आशुदत्त। 30 दिन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के को मास्टर कैसे करें या मास्टर कैसे बने, आज हम बात करेंगे ये फ्यूचर्स को कैसे इस्तेमाल करें इन्वेस्टिंग करने के लिए। आप कहेंगे सब आशु जी फ्यूचर्स कैसे इस्तेमाल करें इन्वेस्टिंग के लिए, कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए ऐसा है, कभी कभी क्या होता है, हमें पता होता है स्टॉक सही है और हम 100 स्टॉक लेते हैं, मतलब तो 100 में कितने पैसे बनेंगे? अगर वो स्टॉक 100 रुपये भी चढ़ेगा तो आप 10,000 बनाओगे। तो मतलब इतनी मेहनत की आपने, इतना दम लगाया, इतना ढूंढने स्टॉक की ढूंढने की कोशिश की और बनाया आपने मतलब 10,000 रुपये, तो फिर तो कोई मज़ा नहीं है ना। मतलब अगर मार्केट में रहें तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि बनाए आप लाखों में, बनाए करोड़ों में, बनाए तो कोई मज़ा भी आए। तो इसके लिए मैं फ्यूचर सजेस्ट कर रहा हूँ। मगर देखिए, फ्यूचर्स आप तब मत लिया करें जब जैसे मार्केट में मंदी आ गई है, मतलब मार्केट जो है बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। उसमें क्या होगा कि देखिए, कोई लॉट आता है 250 शेयर का, कोई आता है 500 शेयर का, कोई आता है 1,000 का, कोई 2,000 का। उसमें क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ रुझान है पूरा ओवरऑल मार्केट का, तो आप खरीदोगे तो हर एक रुपये पे 2,000, अगर 2,000 का लॉट है वो लूज़ कर दोगे, हर एक रुपये पे 500 अगर 500 का लॉट है तब नहीं कीजिएगा। इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं आप कब इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको लगता है मार्केट जो है मतलब ओशन बॉटम में आ गया, तल पे आ गया है, मगर आपको लगता है तल पे बहुत टाइम रह चुका है, 3-4 साल, अब मार्केट ब्रेकआउट करेगा। अब ब्रेकआउट करेगा तो आप पहली चीज़ यह है कि अगर आप जाके वही शेयर के 100 शेयर खरीदते हो और शेयर अगर 200 रुपये का है तो 20,000 रुपये आप देते हो, ब्रोकर कोई मार्जिन नहीं देता। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में क्या है, आप 5 या 6% डाल के वो स्टॉक ले सकते हो, और जो स्टॉक ओशन बॉटम में है, तल में है, तो मतलब वैसे ही कोई खास मूव नहीं कर रहा है, 1-2 रुपये यहाँ वहाँ हो जाएगा मगर कोई खास चीज़ तो होगी नहीं। उससे क्या होगा कि आपने फ्यूचर लेके रख लिया, मार्जिन बहुत कम है और आपके पास मार्जिन की मल्टीप्लिकेशन मिल रही है, मतलब 200 रुपये के स्टॉक पे अगर आपने खरीदा तो 200 रुपये पे आपको 10 रुपये लगेगा पर स्टॉक फ्यूचर्स के लिए। तो आप ये देख लो कि 10 रुपये पे आप 200 रुपये की पोजीशन खेल रहे हो। अगर वही स्टॉक 200 से 300 भी हो जाता है तो आप अपना प्रॉफिट देख लो, वो 10 रुपये जो है सीधा 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्योंकि 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मगर 100 रुपये का प्रॉफिट आपके 10 रुपये के अपने पैसे पे हुआ, मतलब आपको 1000% का प्रॉफिट हो गया, 10 टाइम का प्रॉफिट हो गया। इसलिए जब भी अगर आपको लगे कि ओशन बॉटम पे स्टॉक आ गए या 3-4 साल से स्टॉक मूव नहीं हुए, सरकार बदल गई है या कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला और स्टॉक जो है भागने वाले हैं, तो सीधा जाके स्टॉक ना खरीदें, आप जाके फ्यूचर खरीद लें पहले। उससे ये होगा कि जब स्टॉक चलना शुरू होगा आपके पास अच्छा बड़ा लॉट होगा और नीचे की रिस्क बहुत कम रह जाती है। एक और तरीका फ्यूचर प्ले करने के लिए ये है कि आपके पास स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, अब स्टॉक कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा, तो आप फ्यूचर ले लें या बेच दें, मेरा मतलब है मार्केट में। उससे क्या होगा कि अगर आपको जैसे बुल मार्केट में 3-5 बार आपका स्टॉक बढ़ चुका है तो फ्यूचर बेच दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो फिर आपको बेनिफिट हो गया, अगर ऊपर की तरफ आता है तो चलिए 4-5 बार तो आप बना ही चुके हैं, आप जो है स्टॉक बेच दें तो बिक गया तो बिक गया। तो मेन चीज़ ये है कि फ्यूचर्स अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करें तो ओशन बॉटम पे जब स्टॉक हो तब यूज़ करें, या जब आपको लगे कि स्टॉक जो है मार्केट बहुत बहुत तेज़ी से ऊपर चले गए और वहाँ सस्टेन नहीं करेंगे तो आप बेच दें फ्यूचर को और बाद में खरीद लें, क्योंकि आपको लग रहा है कि साहब इतने लेवल पे आ गया है कि ये गिरने वाला है। उससे क्या होगा कि स्टॉक का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या होता है देखिए, हमारे पास गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक हो, हम देना नहीं चाहते, वो हमारे पास पड़ा हुआ है, प्रॉफिट के प्रॉफिट बन गया। तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके देखिएगा, आप ज़रूर देखेंगे कि इसमें आराम से पैसे भी बनते हैं और कोई अपनी जो अपनी चीज़ है वो अपने घर पर पड़ी रहती है। इसके इतना ही आज के लिए, मैं हूँ अर्शदा।